दोस्तों भी देख का मैं स्मिंग फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मॉडल। और इज मीन ऑफ द बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल ऐसे टर्म्स को कहते हैं जिससे कि कोई बिजनेस ऐसा हो जो रन नहीं कर रहा है या तो स्टार्टअप है उसका, तो उसको रन कराने के लिए जो हम मॉडल उपयोग में लाते हैं उसे कहते हैं बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस मॉडल में बेसिकली तीन बातें होती हैं। पहला होता है क्रिएशन, दूसरा होता है कैप्चर और तीसरा होता है डिलीवर द वैल्यू। क्रिएशन क्या होता है, यानी कि मॉडल को क्रिएट करना। मॉडल क्या होता है, मॉडल यानी कि जो मार्केट में हमारी माल सप्लाई करने की विधि होती है, तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो मॉडल को क्रिएट करना, फिर उसको कैप्चर करना। कैप्चर करने का मतलब किसी को दूसरे से लेना, यानी कि अगर मान लीजिए हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको दूसरे से हम कैप्चर भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डिलीवर द वैल्यू, फिर उसके बाद अगर कैप्चर करके अडॉप्ट करते हैं उसके बाद हम लोग क्या उस मॉडल को डिलीवर करते हैं मार्केट में। ठीक, और अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली पांच भागों में बांट सकते हैं। पांच भागों में बांटे तो ए बी सी डी ई के बारे में हम लोग बांट सकते हैं। ए फॉर एनालाइज, बी फॉर ब्रेन स्टोर, सी फॉर क्रिएट होता है, डी फॉर डिलीवर होता है, सी और ई फॉर क्या होता है, इवैल्यूएट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो एनालाइज, सबसे पहले हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारी बिजनेस किस टाइप की है और हम कैसे इसको रन करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमारे पास एनालाइजिंग आ जाती है तो हम लोग उसको ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, यानी कि अपने माइंड से सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उस मॉडल को मार्केट में जो है डिलीवर करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको इवेल्युएट यानी कि इवेल्युएशन में लाते हैं। ठीक, अगर नॉर्मल टर्म में हम बात करें तो नॉर्मल टर्म में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं, मेजरिंग बोलते हैं और एडॉप्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसा मॉडल जिसको हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि भाई उस पर वो काम कर रहा है हमारे ऊपर या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद मेजरिंग करेंगे, यानी कि उसके थोड़े से कॉन्टेंट बना के उस पर मेजर करेंगे। ठीक, थर्ड उस पर क्या करेंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे। ये है हमारे पूरी बिजनेस मॉडल। अगर हाँ, इस बिजनेस मॉडल को जो भी बंदा, जो भी लोग इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, उनका बिजनेस पक्का बोल रहे हैं सक्सेसफुल रहेगा। और हाँ, ये बनाया जाता है इसी के लिए, क्योंकि बिजनेस जिसका सक्सेसफुल नहीं हो वो सक्सेसफुल करे।